साथियों नमस्कार। साथियों आज बजट आया है और इस बजट में पिछले साल से और कटौती कर दी गई है किसानों को, गांवों को, देहात को और थोड़ा गरीब करने की इसमें साजिश रचनी गई है। मैं अगर आपको आंकड़े में बताऊं तो पिछले साल जो है खेती और उससे जुड़े क्षेत्रों का जो बजट था वो कुल बजट का 4.26% था, जो इस बार घटा के 3.84% रह गया है। और ग्रामीण विकास का जो बजट है पिछले साल 5.59% था, जो इस बार और कम करके 5.23% कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जहां पिछले साल 16,000 करोड़ का बजट था उसको कम करके 15,500 करोड़ का कर दिया गया है, जबकि और बढ़ना चाहिए था। और इसी तरह से मनरेगा का जो कुल खर्च पिछले साल था वो 97,034 करोड़ का था, जो इस बार कम करके 72,034 करोड़ का कर दिया गया है। और किसानों को फसल का दाम मिले इसके लिए एक स्कीम थी, उसमें 3595 करोड़ रखे गए थे, जो कम करके 1500 करोड़ कर दिए गए, आधे से भी कम कर दिए गए। इसी तरह से किसानों को MSP दिलाने के लिए एक और स्कीम, उसमें 400 करोड़ रुपया पिछले साल रखा गया था, वो अब की बार केवल 1 करोड़ उसमें रह गया है। और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जहां पिछले साल 900 करोड़ था अब की बार केवल 500 करोड़ रखा गया है। सरकार कोऑपरेटिव को समर्थन देने के लिए जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा रही है उसमें पिछले साल 700 करोड़ रखे गए थे, अब की बार घटा के 500 करोड़ कर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि कोऑपरेटिव खेती करो। तो पराली जलाने का जो बजट था जो पिछले साल 700 करोड़ का था इस बार बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। इसी तरह से जो MSP पर पिछले साल खरीद थी वो उसका जो बजट था उसमें भी 11,000 करोड़ की कटौती कर दी गई है। और जो जो MSP पे फसल खरीदी गई थी पिछले साल से पिछले साल करीब 12,08,000 टन खरीदी गई थी और जो पिछले साल थी वो 13,08,000 टन खरीदी गई थी, इस बार जो है वो 1,00,000 टन के करीब और उसमें से कम कर दी गई है। तो ये खेती बजट दिया है किसानों को मारने का। साथियों इसलिए मेरा निवेदन है कि ये सरकार किसानों को, गांव वालों को बिल्कुल मारेगी। इसलिए पंजाब के लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस बार किसानों को वोट डाल ले, किसानों की सरकार लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।